अच्छा जी, यहाँ पर है हिमालयन सॉल्ट, ये पिंक रॉक सॉल्ट एडिबल जो है, मैं इस वक्त गूगल यूएसए में ही सर्च कर रहा हूँ, ठीक है, गूगल डॉट कॉम पीके वगैरह कुछ नहीं है। और इसके ऊपर जो है जी नेचुरल सॉल्ट लैम्प्स डॉट वर्डप्रेस, बिल्कुल जिसको हम कहते हैं मक्खन मलाई कीवर्ड है ये, मेरे हिसाब इजीली रैंक हो जाएगा, bestpinksall.com, क्योंकि ये जो चीज रैंक कर रही है दैट इज कॉल्ड पैरासाइट, ठीक है, ये विकिपीडिया आ गया, ये अमेजोन आ गया, अमेजोन आ गया, और मिनरल रूट वगैरह, ये हिमालय का रूट शो करता है, मिनरल्स रूट का कोई है उनका वो भी साइट, जो मेरे ख्याल से ट्रेवलिंग टाइप कुछ होगा, या कोई डेटाबेस ऑफ साल्ट होगा कि कहाँ कहाँ पे साल्ट है, उनके रूट्स वगैरह उसको ओपन करके देख लेते हैं। तो बेसिकली कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो कि इसके ऊपर ही काम कर रहा है, पिंक रॉक साल्ट के ऊपर, क्या आप इसको कर सकते हो, ये जिसका भी कीवर्ड है आप इसके ऊपर साइट बना सकते हो। अभी इसका अगर मतलब केसी वगैरह देखना है तो मैं ट्राई करता हूँ, अगर मेरे पास वो आ जाए। ये नेक्स्ट रोप्स और लैंप्स, ठीक है। अच्छा जी, दूसरी स्क्रीन आपको दिख रही है अभी, ब्लू सी उसकी आरडीपी स्क्रीन, अच्छा जी, लॉन्ग टर्म तो हम लोग अपने पे भी चला सकते हैं, मेरे पास यहाँ पे वो थोड़ा स्लो है। जैसे मैं इसका बोल रहा था, देखिए जी हिमालयन रॉक सॉल्ट है और मिनरल्स रूट, ये भी कोई मुझको ईकॉम टाइप चीज लग रही है, लेकिन नहीं, सॉल्ट के ही ये कोई वेंडर है, ठीक है। मतलब आप इसको आउट रैंक कर सकते हो, क्योंकि इसके ऊपर दो अमेजोन के पेजेस हैं, ठीक है, एक इसके ऊपर विकिपीडिया का पेज है, तो यही अगर टॉप पे आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि कोई इतना टफ कंपटीशन नहीं है, नहीं तो आप इसको इजीली जो है वो आउट रैंक कर सकते हो। कंपेटिटर एनालिसिस में आपने ये देखना होता है कि दूसरी साइट किस तरह का कंटेंट यूज कर रही है आपकी साइट के अगेंस्ट। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ इसको, इस साइट के ऊपर अगर हम देखें तो उसने ये बताया है, वी आर मिनरल, ये उनकी कंपनी है जो भी है, आवर क्रिस्टल सॉल्ट लैम्प्स आर प्योरली हैंडसम एंड प्रीटी सिंपल, प्रीटीली सिंपल, ये थोड़ा सा कंटेंट है इनके पास, और बाकी ये कंटेंट है, सही है, आपने इससे बेटर बनाना है। और ये सारी की सारी जो है गैलरी गैलरी में फोटोज हैं और कुछ नहीं है, ठीक है। अगर आप नीचे, आपको लेफ्ट साइड पे नीचे वो यूआरएल का स्ट्रक्चर नजर आ रहा होगा, मिनरल्स रूट डब्ल्यूपी कंटेंट, इस जगह पे आएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये आ रहा है गैलरी, फैक्ट्री विजिट एम आर पी एल -24.jpg, ठीक है, 29 है ये 27, मतलब सारी की सारी इमेजेस हैं होम पेज के ऊपर। होम पेज के ऊपर जस्ट ये दो ढाई लाइन ये है कंटेंट की, ठीक है, और बाकी की जो कंटेंट की लाइन है वो ये पैराग्राफ है, दैट्स इट। और इसके अलावा इनके पास ये पिक्चर्स वगैरह हैं, या इन्होंने शायद उसको थोड़ा बनाया हो, साइट का स्ट्रक्चर कुछ डिफाइन किया हो, देख लेते हैं। अभी पेज टू आ गया ये, अब ये वो चीज नहीं रही, ये इस एक और कैटेगरी टाइप चीज में आ गया, पेज में आ गया, सही है। बाकी सारा वही है,
अगर आप इस पैराग्राफ को पढ़ें, हिमालयन क्रिस्टल रॉक्स ऑल कंटेन्स 84 to 94 ट्रेसेस मिनरल नोन टू मैन, ठीक है, बाकी सारे का सारा वही है, यही लाइन पहले थी यहाँ पर, ठीक है, और नीचे भी वही है सारा, लेकिन सिर्फ ये जो इमेज का सेक्शन उसने बनाया है, जो डिव बनाई है, तो उसके ऊपर उसने पेजिनेशन की है, पेजिनेशन से जस्ट वो आपको डिफरेंट डिफरेंट इमेजेस दिखा रहा है। तो ये इस साइड का स्ट्रक्चर कोई इतना खास नहीं है, इसके पास कोई कंटेंट नहीं है, इसके पास बस यही कंटेंट है जो आपको दिख रहा है, कोई पोस्ट का स्ट्रक्चर, कोई साइट्स का स्ट्रक्चर जो मैं समझा रहा हूँ आपको, वैसा कुछ नहीं है। इसने पता नहीं क्या सीन किया है, देखता हूँ। That's it. This is just from gallery. हाँ, कुछ नहीं है इसके पास, कोई पोस्ट का स्ट्रक्चर नहीं है, कुछ नहीं है कहीं पर भी, इसने कीवर्ड्स वगैरह सही से टारगेट नहीं किए हुए, सिंपल सिंपल सा उसने लिखा हुआ है कि ये क्या चीज़ है और उनके सम बेनिफिट्स लिखे हैं। आप इससे बहुत बेहतर बना सकते हो अगर आपने रैंक करना, ठीक है। अभी कितने बंदे ऐसे हैं जो कॉन्फिडेंट हैं साइट स्ट्रक्चर के बारे में कि हम लोग इससे अच्छी बना सकते हैं, वन लिख के टाइप करें फॉर दिस कीवर्ड, या कोई कंफ्यूजन है कि इससे बेहतर कैसे बना सकते हैं तो पूछ सकते हैं। गुड गुड, ठीक है। तो ये एक कीवर्ड था जो अभी किसी ने बताया, तो कंपेटिटर एनालिसिस ने हमने सिर्फ ये देखा कि कितनी साइट्स हैं। यहाँ पर विकिपीडिया है, इसका नो इश्यूज, अमेजोन नो इश्यूज, अमेजोन नो इश्यूज, ठीक है, ये मिनरल रूट को हमने देखा। अब ये एक और साइट है यहाँ पर खड़ी, ये क्या है, नेचर शॉर्ट नेम डॉट वर्डप्रेस, इसको भी नो इश्यूज। जो डोमेन मैंने आपको पहले बोला था कि आपने टॉप रैंकिंग में देखना है कितनी कस्टम डोमेन्स हैं, दिस इज नॉट कस्टम डोमेन, ठीक है, ये डॉट वर्डप्रेस डॉट कॉम है। अगर ये यही होता ना नेचर्स साल्ट लैम्प्स डॉट कॉम, देन हमारे लिए ये कोई खतरे की घंटी थी कि ये थोड़ा टफ हो सकता है। सेकेंड थिंग आपने देखना है जिसकी यहाँ पर डेट शो हो रही हो, ये इसकी डेट है, ये बहुत पुराना आर्टिकल किसी का पड़ा है और एवरी रैंक है, इसका ये मतलब है कि इस कीवर्ड के ऊपर 2012 के बाद किसी ने लिखा ही नहीं है, ठीक है। आप इससे ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि गूगल के पास कोई डाटा ही नहीं है रैंक करने के लिए, उसके पास कोई फ्रेश कंटेंट ही नहीं है इस चीज़ के ऊपर, इसलिए वो इतनी पुरानी एक आइटम खड़ी है यहाँ पे जिसको वो रैंक कर रहा है। और ये आप देख सकते हो साइट का स्ट्रक्चर, मुझे लगता है ये जुमला में बनी है लेकिन वर्डप्रेस ही है, लेकिन आप देख सकते हो कि इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल बिल्कुल ही फारिग है। ये वो स्ट्रक्चर है जो हम लोग 2010-11 में बनाते थे, ठीक है, दो तीन कमेंट्स हैं और एक सिंगल सा आर्टिकल है और अबाउट मी है, ये किसी बंदे ने शायद शौक शौक में बनाई हो, तो वो अभी तक रैंक खड़ी है यहाँ, ठीक है जी। कंपेटिटर एनालिसिस में आपने ये देखना है कि रैंकिंग में कितने लोग हैं, ठीक है, ये कोई वही मैं कह रहा हूँ ना, किसी बंदे ने शौक शौक में बनाई है, मार्क एंड कैरोल बिलीव इन ब्यूटीफुल साउथ वेस्ट रीजन बैंक स्टेट्स एंड यूनिवर्सिटी फॉर रिटायर्ड पुलिस, बस ठीक है भाई, इनको कोई शौक होगा, देख लो वही चीज़ हुई ना, वी फेल इन लव विद हिमालयन सॉल्ट लैम्प्स एंड परचेज आवर फर्स्ट वन। तो ऐसे काम या तो वो बंदा करता है जिसका पैशन होता है, जिसको कोई लाइक होता है उस चीज़ के अंदर, उसको कोई मतलब लव हो जाता है ना कि यार ये इतना प्यारा लैंप है मुझे इस पर वेबसाइट बनानी है, गोरे ऐसे काम करते हैं हम लोग तो नहीं करते, वो तो किसी बंदे ने ऐसे ही बनाई है तो उसके साथ रैंक है, और इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि इस बंदे को ऐसी आती है या उसकी वजह से इसने खुद से रैंक की। क्यों ये क्लियर है जी ये वाला सेक्शन, उधर गया भी चैट बॉक्स, कहाँ गया, बट योर एक्सपर्ट ओपिनियन हेल्प अस। राशिद किसके बारे में एक्सपर्ट ओपिनियन कह रहे हो, हाउ वी मेक इट मच बेटर फ्रॉम इट, अभी यू शुड नो हाउ यू कैन मेक इट मच बेटर, ओके। आपको रिप्ले करने चाहिए पुराने वेबिनार जो मेरे पुराने सेशंस हैं इससे पीछे वाले, मैंने सिर्फ यही चीज़ आपको बताई है कि हाउ यू कैन डू बेटर देन योर कंपेटिटर, ठीक है। यू शुड बी कॉन्फिडेंट इन दिस क्लास, आपको इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए पिछली सीखी हुई चीज़ों से कि आप जो है इससे अच्छा आर्टिकल कैसे लिख सकते हो,
ऐसे अच्छा कंटेंट कैसे बना सकते हो, ना इस बंदे ने इंफोग्राफ यूज किए हैं, ना इस बंदे ने साल्ट के ऊपर कोई इंफॉर्मेशन वाली चीज डाली है, ना इसने कोई यूट्यूब वीडियो डाली है, ना इसने कोई और चीज कंटेंट में डाली है, ना इसके पास साइट का कोई स्ट्रक्चर है, ना कीवर्ड्स है, ना कैटेगरीज है, तो स्टिल यू कैन मेक इट बेटर। ठीक है, इसके पास कुछ भी नहीं है। सर के कीवर्ड कंपटीशन में सीएपीएफ देखना मस्ट है? नहीं, जरूरी नहीं है। आपको ये देखना है कि रैंक कौन है, और सीएफटीएफ और ये वाली चीजें तो वो बता देगा ना आपको, कैसी जो आप निकालोगे। मैं अभी मैनुअल एनालिसिस बता रहा हूँ कि आपने मैनुअली क्या क्या देखना है। जी अनस, अगर एग्जैक्ट मैच डोमेन रैंक हो तो देन वो आपके लिए टफ चीज है। ठीक है, मैं वही तो कह रहा हूँ कि कस्टम डोमेन अगर रैंक है तो फिर ना आपने उनको एनालाइज करना है। आप तो मुझे कोई ऐसा कीवर्ड दे दें जिसमें कस्टम डोमेन्स रैंक है, मैं आपको उसका बता सकता हूँ कि आप जो है इसमें कहाँ पर लूप होल्स हैं, कहाँ से आप ऊपर आ सकते हैं। अच्छा जी, बाकी था इसमें, अच्छा ये दूसरी साइट भी हमने देख ली, पहली भी देख ली, ये तो बहुत ओल्ड थी, आगे अमेजोन है, अमेजोन है, इसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, ये हब पाक है, हब पाक मीन इट्स अ पाकिस्तानी साइट, तो इससे आप कोई भी वक्को ना रखें अच्छी एसईओ की, बिल्कुल भी ना रखें। ठीक है, हब पाक, हब पाक तो इसका मतलब गूगल के पास कोई डाटा ही नहीं है, तो वो ढूंढ रहा है कि किसके पास ये टॉपिक वन टाइम ही जिस बंदे ने ऐड किया हो उसको बस रैंक कर दो। सही है, ये सीन है जी। अनस, कोई कीवर्ड मुझे आप दिखा दें, मैं किसी और कीवर्ड का बता देता हूँ। अभी वो आपकी साइट है, मार्कोर पता नहीं क्या था वो, मार्कोर बेस आई थिंक ऐसी थी कोई साइट। मेरे ख्याल से आपने पहले भी मुझे रीच किया था, पता नहीं बिलाल के नाम से क्या नाम था आपका, यहाँ पर अभी पता नहीं क्यों है। तो उसमें इशू ये है कि वो साइट का कोई स्ट्रक्चर नहीं है। ठीक है, और फर्स्ट जब आपने मुझे दिखाई थी तो तब उसमें डॉलर्स में मेंशन थे रेट्स, मतलब रेट का जो साइन था वो डॉलर था, लेकिन जो प्राइस थी वो रुपीज में थी। मतलब आप वहाँ पर अगर 2000 रुपीज में कुछ बेच रहे हैं तो वो साथ 2000 डॉलर का साइन आ रहा। तो ये सीन होता है कि गूगल में जब आपका फर्स्ट इम्प्रेशन पड़ता है ना आपकी साइट का, तो वो सही नहीं होता, गूगल के इंडेक्स में वो चीज़ चली जाती है। जब भी आप नई साइट बनाएं तो उसका डाटा पहले से कंपाइल करें। लाइक अगर आपके पास कोई इस तरह की ई कॉम साइट है जिसमें आप सेल कर रहे हैं कुछ चीज़ें, तो आपको उसके रेट्स को बहुत ध्यान रखना होता है, क्योंकि ई कॉम के अंदर रैंकिंग फैक्टर्स में आपके रेट्स, आपके रेट का स्ट्रक्चर, आपका डिस्काउंट डील्स का स्ट्रक्चर, उसके बाद आपके रिव्यूज वगैरह और प्रोडक्ट की इमेजेस, उसका एचडी होना, उसका जूम वगैरह, ये सारी चीज़ें रैंकिंग फैक्टर्स में आती हैं। तो ई कॉम क्योंकि हमारा सब्जेक्ट नहीं है, हम लोग यहाँ पर सिंपल वेबसाइट ब्लॉग्स और इनका देख रहे हैं, इसलिए अगर आपकी वो साइट है तो आप उसको इस तरह से ऑप्टिमाइज करें अच्छे से, देन उनके कीवर्ड्स को इंक्लूड करें जैसे मैंने बताया है, उसके डिस्क्रिप्शन में करें, उसके टाइटल में करें। ठीक है, बाकी जो आपकी वेबसाइट का स्ट्रक्चर है उसकी कैटेगराइज अच्छे से, उसकी कैटेगरी हम बनाएंगे, ये कैटेगरी में ये आएगा, इस कैटेगरी में ये आएगा, ये लैम्प इस कैटेगरी में आएगा। अब ये रॉक्स और डैम जो आप पूछ रहे हो, बिल्कुल इसका भी कंपटीशन होगा, क्योंकि ये तो ई कॉम का कीवर्ड है सीधा सीधा। ठीक है, अब देख रहे हो ना यहाँ पर कस्टम डोमेन आ रही है। तो जी जो चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि ऐसी ऐसे कीवर्ड्स होंगे जिनके अंदर कस्टम डोमेन्स आएंगे। कस्टम डोमेन्स वाले कीवर्ड्स जो हैं वो जाहिर है आपको वो टफ होगा उसको रैंक करना। ये रोग साल्ट लैम्प्स बिल्कुल ही कस्टम ईएमडी है ये, उसके बाद ये साल्टी लैम्प्स, ये भी ईएमडी ही समझें इसको, ये पीएमडी कहलाता है, पार्शल मैच डोमेन। ठीक है, उसके बाद अमेजन है और बाकी यहाँ पर साइट्स और आती हैं। अगर आप इसकी एसईओ करेंगे तो आप आ जाएंगे ऊपर, इशू नहीं है इसमें। ठीक है, लेकिन फर्स्ट पेज पे आना आपको थोड़ा टफ होगा, क्योंकि ये जो ईएमडी साइट्स वगैरह की वजह से ना कंपटीशन ज़्यादा हो जाता है।
आपको रैंक, अगर नीचे रैंक करोगे तो ट्रैफिक नहीं मिलेगी। तो इसलिए कोशिश ये करें ऐसे कीवर्ड्स देखें जिनमें टॉप पोजीशन पे, टॉप थ्री पे, टॉप फाइव पे कोई बड़ी या कोई कस्टम डोमेन नहीं है। नियर इज ऑन लाइव स्पोर्ट्स इज अ वेरी वेरी टफ कीवर्ड, ठीक है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, बहुत बड़े बड़े साइट्स इसके ऊपर बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं अपनी लाइव स्ट्रीमिंग चलाने के लिए, तो ये बहुत टफ कीवर्ड है, ठीक है। देख रहे हो ना स्काई स्पोर्ट्स रैंक है, स्काई स्पोर्ट आगे भी स्काई स्पोर्ट्स रैंक है, स्ट्रीम टू वॉच डॉट सी ओ है, स्पोर्ट्स स्ट्रीम डॉट टी वी है, तो ये मतलब टफ कीवर्ड है। चलिए आपको मतलब टाइम लगेगा, इन्वेस्टमेंट वगैरह लगाओगे, उसके बाद फिर आप देख सकते हो कि कहीं पर आपको कोई पोजीशन मिल जाए। जो ज़्यादा टीवी की साइट्स इसमें आती है ना रैंक होती हैं, बजाय इसके आप सीधा लाइव स्पोर्ट्स को रैंक करने के, स्पोर्ट्स के अंदर जो कीवर्ड्स होते हैं ना मैच के, मसलन किसी एक कंपनी का बार्सिलोना का और फ्रांस का आपस में उनका मैच हो रहा है, उस मैच का कोई कीवर्ड आगे आपके हाथ में आता है उसको रैंक करें जिसको लोग सर्च करते हैं। इस तरह के कीवर्ड्स रैंक किए जाते हैं, डायरेक्टली आप इनको टारगेट नहीं कर सकते। लाइव स्पोर्ट्स हो गया या लाइव स्ट्रीमिंग हो गया, इस तरह के कीवर्ड डायरेक्टली रैंक नहीं होते, मतलब टफ होते हैं, बजट चाहिए होता है काफ़ी उनके लिए। लेकिन आप इजीली वाले रखें जो इजीली रैंक हो सकते हैं, लॉन्ग टेल उनको कर लें। उन इस लाइव स्पोर्ट्स के अंदर जो इवेंट्स होने जा रहे हैं, टेनिस है, क्रिकेट है, हॉकी है, स्विमिंग है, उनके अंदर जो इवेंट्स हैं, उनके अंदर जो मैचेस हैं, उनके नाम को टारगेट करें, या उस मैच के अंदर जो प्लेयर्स खेल रहे हैं उनके नामों को टारगेट करें, उनके कीवर्ड्स देखें क्या मिलते हैं गूगल में, वो रैंक करने ईजी होंगे, ठीक है। अच्छा जी, इसके अलावा किसी और भाई का कोई कीवर्ड, अनस का था कुछ पूछ रहे थे एग्जैक्ट मैच। आज अनस आपने अभी देखा, मैंने लास्ट कीवर्ड में भी दिखाया कि उसमें एग्जैक्ट मैच डोमेन रैंक थी, ठीक है। इससे पहले जो हमने देखा उसमें एग्जैक्ट मैच डोमेन नहीं थी, कि वो इजी था रैंक करना। अच्छा जी, और था हम लोग लॉन्ग टेल प्रो की बात कर रहे थे, इसमें हम रॉक साल्ट का जो पहले हमने देखा था, क्या था रॉक साल्ट लैम्प ही था। रॉक साल्ट लैम्प्स को अगर हम लोग लॉन्ग टेल प्रो में देखें, फाइंड कीवर्ड्स देखते हैं इसका क्या बनता है। अच्छा जी, अच्छा बाकी कंपेटिटर एनालिसिस में सबसे ज़्यादा चीज़ जो आपने देखनी होती है वो होती है कि कौन सी साइट इस पे रैंक है। इसके बाद आपने ये देखना है, जब आपने देख लिया कि कोई बड़ी साइट रैंक नहीं है और आप उसका फिर आगे SEO प्लान उसका डिसाइड करते हो कि उसके बैकलिंक्स कैसे बनाने हैं, हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखेंगे।